सोशल डिस्टेंसिंग मतलब शारीरिक दूरी एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 मीटर बनाकर रखे और हाथ फ्रिक्वेंटली साफ करें साबुन से या सैनिटाइजर से। और जहां पर आपको लगता है कि आप कोई संक्रमित व्यक्ति का संपर्क में आया है कहीं, चाहे वो अपना वर्क प्लेस में हो, कहीं मार्केट में जाने से, या नहीं है तो आप जिनके साथ पूर्व में कहीं बैठे हैं, कोई मीटिंग में भाग लिया है, पता चला कि उनको संक्रमण हो गया, अपने आप बोलना चाहिए कि इस तरह से हुआ है, ताकि उनका भी जांच होगी। और समय रहते हुए करने से क्या होगा कि जान बचेगी, परिवार का लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं दूसरों को भी हो जाएगा। ये एक एक व्यक्ति याद रखना है। दूसरा है कि संक्रमित व्यक्ति को घृणा से देखने की कोई जरूरत नहीं, वो किसी को भी हो सकता है। वो जिनको संक्रमण हुआ उनका कोई पाप नहीं है और उनका ना तो कोई गलती है, हुआ एक बीमारी है, वायरस है, किसको किस तरह से होती है, उसके लिए उस व्यक्ति से किसी तरह से घृणा की भावना रखना, नीच भावना रखना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए बोला गया कि नाम सार्वजनिक नहीं करने का। और एक बात मैं आपके सबको माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया सारे लोग जिनको जो सोचना है सोचने दें। मैं ये बता रहा हूं कि अभी जब पूरे विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तत्पर है और लगातार कोशिशें चल रहा है, बाकी तरह के जो एक तरह का क्या कहते हैं एक डाइवर्शनरी थिंग्स है और नफरत फैलाने वाला चीज है, भय फैलाने वाला चीज है, उससे लोग परहेज करना चाहिए। आपको ये समय नहीं है, ये ऐसा चीज तो कभी नहीं करना है, खास करके इस समय नहीं करना। ये आपदा का समय है और लोग भाईचारा बना कर रखे, कहीं भी धर्म के नाम पर किसी दूसरे के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करें। और हम ये लोग वार्निंग समझे, किसी भी लिहाज से ले, हम लोग तो बहुत ही कठोर रूप से सख्ती बरतेंगे वैसा करने वालों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी बोले। है आज से हम लोग रांची शहर को शहर में सीआरपी को भी नियुक्ति लगा, आज से सीआरपी लगेगा रांची शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग और लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। सर कुछ लोग जांच के लिए लोग सामने स्वतः नहीं आ रहे हैं, उनके लिए तो आप लोग है, अभी जितना भी हम लोग अपील कर रहा है कि आप अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए आगे आवे, और इसमें सबका भागीदारी है।